प्रतिष्ठित समाचार पत्रों के जरिए से देश और दुनिया की ताजा खबरें केवल चंद मिनटों में आपके सामने पेश हैं। भूकंप के तेज झटके से 9 देशों की धरती कांपी। दिल्ली एनसीआर के घरों से निकले लोग। दिल्ली एनसीआर में 6.6 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए और लोग घरों से बाहर निकल कर आ गए। अमृतपाल सिंह पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दिया गया। जानकारी पंजाब सरकार ने मंगलवार को उच्च न्यायालय में दी। अदालत ने अमृतपाल के फरार होने पर पंजाब सरकार को फटकारते हुए खुफिया तंत्र की विफलता बताया। सियासी तकरार के बाद दिल्ली में बजट का रास्ता साफ। गृह मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद विधानसभा में पेश होगा बजट। आज बजट पेश होगा। गर्मी और प्रदूषण ने दी डबल राहत। 24 घंटे में लौटेगी बारिश। बदले हुए मौसम से इन्फ्लुएंजा और कोविड का खतरा बढ़ा। एक्सपर्ट की राय से घबराए नहीं बल्कि सावधानी बरते। आज से शुरू हो रहे हैं नवरात्र। एक साथ नवरात्र, गुड़ी पड़वा और नवरोज। आज नवरात्र का पहला दिन है। राहुल अडानी मुद्दे पर संसद लगातार ठप। बीजेपी राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयानों पर माफी मांगने तथा कांग्रेस और विपक्षी दल अडानी समूह मामले की जांच के लिए जेपीसी गठन और केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग पर चर्चा कराने के लिए अड़े हैं। चेन्नई में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज वनडे का निर्णायक मैच खेला जाएगा। मैच किसी टूर्नामेंट से कम नहीं होगा। जो टीम जीतेगी वह वनडे रैंकिंग में टॉप करेगी। आज दोपहर को 1:30 बजे इसका प्रसारण होगा। It's hot, it's humid, it's Chennai. It's toss time in the decider, and this is what they're playing for. Rohit Sharma, Steve Smith, Javagal Srinath, all in readiness. Heads. Heads is the call. Yeah. We'll bat. But Steve, you won the toss. What have you decided? We're going to have a bat.